हेलो फ्रेंड, आज गांठ गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। इसमें कुछ मसाले हम रेडी करके रखेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा एक चम्मच चीनी और नमक स्वाद अनुसार, और इसका एक थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको थोड़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से करने से मसाले ऐड करने से मसाले जलते नहीं हैं और सभी मसाले आपस में बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। थोड़ी धनिया भी हमने काट के रख लिया है। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसमें काला जीरा, जिसे कि मंगरेल भी कहते हैं, उसको ऐड किया। इसमें कटे हुए आलू और काट गोभी को ऐड करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही हाफ फ्राई हो जाए हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था उसको ऐड करेंगे। और इसको भून लेंगे। इससे मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से टेस्ट भी आएगा। अब इसमें हम मटर ऐड कर रहे हैं। और साथ में ही थोड़े से कटे हुए धनिया को भी ऐड करेंगे। धनिया बीच में इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब सब अच्छे से भून जाए तब हम अपने मुताबिक, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा ठीक ग्रेवी नहीं रखती है, थोड़ा सा मीडियम रखते हैं, इसलिए 1 से 1.5 कप पानी रखती है और अच्छे से बॉईल होने दिया। ये हमारा सब्जी तैयार है। लास्ट में इसमें धनिया पत्ते से गार्निशिंग करके हमारी सब्जी तैयार। थैंक्स।